हिसार जिले में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। कल वीरवार के दिन जिले में 38 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या 1300 से अधिक हो गई है। हिसार नागरिक अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि डेंगू के साथ साथ जिले में सामान्य बुखार भी बढ़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है। चिकित्सक ने कहा कि डेंगू के साथ मरीज खांसी, जुकाम और बुखार का भी शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू होने पर ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। डेंगू के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें आम मरीज को मेन की जिस चीज का ध्यान देना चाहिए कि वो अपना पानी पूरा पिए, ORS का घोल पानी पीना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो मेन समस्या होती है वो BP कम होने की होती है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। अब खांसी जुकाम वाले जो मरीज हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो हमारे बिना खांसी जुकाम के जो बुखार जिनकी सर्कुलेटें कम हो रही थी या डेंगू पॉजिटिव आ रहे थे, वो पहले से कुछ कम दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में फॉगिंग की जा रही है और खाली जगह पर इकट्ठा हुए पानी में दवाई मिलाकर डेंगू के लार्वा को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, और कहीं भी डेंगू का लार्वा मिलता है तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। इसके लिए नगर निगम यही प्रयासरत रहता है कि पूरे शहर में फॉगिंग हो जाए, तो उसके लिए हम अभी भी शहर में लगभग 2 बार तो हम फॉगिंग करवा चुके हैं। हमारी 3 छोटी मशीनें और 1 बड़ी मशीन लगातार निरंतर इस काम पे लगी हुई है, और हमारे जो इसमें एक हमने टीम बना रखी है, और सभी से आग्रह भी कर रहे हैं कि अपने जो घरों में जैसे कूलर में पानी छोड़ देते हैं या टंकियों में भी पुराना पानी पड़ा रहता है, तो उसमें भी मैं जनता से भी, हिसार की जनता से आग्रह करता हूँ कि वो वहाँ भी अपना सफाई रखें।